आज तक रेडियो सुनता है सारा जहां। हेलो, गुड इवनिंग। आज है सोमवार, 18 सितंबर तारीख है। यह है दिन भर। मैं हूं नितिन ठाकुर। जिस सदन में पंडित नेहरू, मधु दंडवते, रामधारी सिंह दिनकर, राम मनोहर लोहिया, पंडित अटल बिहारी वाजपेयी जैसे राजनीतिक धुरंधरों की आवाज कभी गूंजी थी, आज प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन के साथ उसे विदाई दी। आम दिनों में हंगामे और स्थगन देखने वाली संसद में 5 दिन के विशेष अधिवेशन के लिए दाखिल होने से पहले प्रधानमंत्री ने सांसदों से एक अपील की। मैं सभी आदरणीय सांसदों से आग्रह करता हूं कि छोटा सत्र है, ज्यादा से ज्यादा समय उनका मिले, उमंग और उत्साह के वातावरण में मिले। रोने धोने के लिए बहुत समय होता है, करते रहिए। किन बातों पर विस्तार में गए और किन्हें बस छू कर निकल गए प्रधानमंत्री, दिन भर में पहले इसी पर बात होगी। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में चल रहे ऑपरेशन गैरोल को 6 दिन बीत चुके हैं। क्या ये ऑपरेशन अब लंबा खींच रहा है? थोड़ी बात इसकी। पंजाब, जहां किसानों की समृद्धि की कहानियां सुनाई जाती हैं, लेकिन ये अधूरा सच है। किस तरह वहां किसान कर्ज में डूबे हैं, ये बताएंगे आपको। फिर कल से शुरू होने जा रहे एशियाई खेलों की बात, भारत क्या कुछ कमाल कर पाएगा, इस सवाल को पूछेंगे एक्सपर्ट से। और आखिर में आएगी भौचक खबर भी, जिसमें बात आज उस बैंक की जो लोन न चुकाने पर दे रहा है मिठाई का डब्बा। लेकिन पहले सुनते हैं 60 सेकंड हेडलाइंस गर्वित से। शुक्रिया नितिन। संसद के विशेष सत्र के पहले दिन प्रधानमंत्री मोदी ने जवाहरलाल नेहरू से लेकर डॉक्टर मनमोहन सिंह तक का किया जिक्र। कल से नए संसद भवन में शुरू होगी कार्यवाही। राज्यसभा में मल्लिकार्जुन खड़गे की मांग, महिला आरक्षण बिल इसी सत्र में लाया जाए। अनंतनाग में मुठभेड़ 6ठे दिन भी जारी। CRPF की कोबरा कमांडो फोर्सेस की खास यूनिट को जम्मू कश्मीर भेजा गया। झारखंड के CM हेमंत सोरेन को ED के समन के मामले में सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं, अवैध खनन से जुड़ा है मामला। तमिलनाडु में प्लास्टर ऑफ पेरिस की गणेश मूर्तियों की बिक्री पर रोक जारी रहेगी, सुप्रीम कोर्ट नहीं देगा दखल। और कावेरी जल प्रबंधन ट्रिब्यूनल का कर्नाटक को आदेश, तमिलनाडु के लिए 15 दिन छोड़े 5,000 क्यूसेक पानी। धन्यवाद। यह दिन भर, मैं हूं नितिन ठाकुर। G20 की कामयाबी के लिए सरकार और प्रधानमंत्री मोदी की पीठ थपथपाने के बाद आज लोकसभा स्पीकर ओम बिड़ला ने प्रधानमंत्री को बोलने के लिए आमंत्रित किया। प्रधानमंत्री ने शुरुआत की। देश की संसदीय यात्रा, उसका एक बार पुनः स्मरण करने के लिए और नए सदन में जाने से पहले उस प्रेरक पल को, इतिहास की महत्वपूर्ण घड़ी को स्मरण करते हुए आगे बढ़ने का ये अवसर है। हम सब इस ऐतिहासिक भवन से विदा लेंगे। 5 दिन तक चलने वाले विशेष सत्र का आज पहला दिन था। पुराने संसद भवन को आखिरी दफा संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री 50 मिनट बोले। PM मोदी के भाषण में वन नेशन वन टैक्स, GST, वन पेंशन वन रैंक और EWS के लिए 10% आरक्षण जैसे जरूरी विधेयकों की बात हुई। आर्टिकल 370, ये सदन हमेशा गर्व के साथ कहेगा कि सदन के साथ वन नेशन वन टैक्स, वन नेशन वन टैक्स, GST का निर्णय भी इसी सदन ने किया, वन रैंक वन पेंशन, ORP, ये भी इसी सदन ने देखा। प्रधानमंत्री बोले कि अनेक ऐतिहासिक निर्णय और दशकों से लंबित विषय का स्थायी समाधान इसी सदन में हुआ, और ऐसा कहते हुए वो पंडित नेहरू, इंदिरा गांधी का जिक्र करना भी नहीं भूले। देखिए, ये वो सदन है जहां पंडित जी को इसलिए भी याद किया गया, अनेक बातों के लिए याद किया जाएगा, लेकिन हम जरूर याद करेंगे इसी सदन में पंडित नेहरू का, एट द स्ट्रोक ऑफ मिडनाइट की गुंज हम सबको प्रेरित करता। अब इसी सदन में अटल जी ने कहा था, वो शब्द आज भी गूंज रहे हैं इस सदन में, सरकारें आएगी जाएगी, पार्टियां बनेगी बिगड़ेगी, लेकिन ये देश रहना चाहिए। बांग्लादेश की मुक्ति का आंदोलन और उसका समर्थन भी इसी सदन ने इंदिरा गांधी के नेतृत्व में किया था। मनमोहन जी की सरकार, कैश फॉर वोट को भी, उस कांड को भी सदन ने देखा। हालांकि आज की कार्रवाई भी राजनीतिक नोकझोंक से अछूती नहीं रह सकी। कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने शायराना अंदाज में सरकार पर निशाना साधा। बदलना है तो अब हालात बदलो, ऐसे नाम बदलने से क्या होता है। देना है तो युवाओं को रोजगार दो, सबको बेरोजगार करके क्या होता है। दिल को थोड़ा बड़ा करके देखो, लोगों को मारने से क्या होता है। कुछ कर नहीं सकते तो कुर्सी छोड़ दो। बात बात में डराने से क्या होता है।
एनसीपी नेता सुप्रिया सुले जो बीजेपी की आलोचना गाहे बगाहे करती रहती हैं, आज उन्होंने पीएम के भाषण की सराहना की। And I appreciate the honorable prime minister's speech today where he appreciated that governance is continuity. तो कुल मिलाकर विशेष सत्र के पहले दिन और पुराने संसद भवन की कार्यवाही के आखिरी दिन का हासिल क्या रहा, यह हमने पूछा संसद की कार्यवाही कवर कर रहे इंडिया टुडे टीवी के स्पेशल कॉरेस्पॉन्डेंट हिमांशु शेखर से। देखिए, पहले से जैसा कि एजेंडे में ही क्लियर कर दिया था कि जो आज संसद के इस विशेष सत्र का जो पहला दिन होगा उसमें 75 साल मतलब संविधान सभा से लेके अभी तक की जो संसदीय यात्रा है उसके बारे में चर्चा होगी। उसी में विपक्ष के लोगों ने भी अपनी बात रखी और प्रधानमंत्री ने भी अपनी बात रखी। प्रधानमंत्री की अगर स्पीच आप ध्यान से देखेंगे तो एक तरीके से पूरे 75 साल की जर्नी को उन्होंने समेटने की कोशिश की है। ब्रीफ में हर किसी को याद किया है, वो चाहे धूर विरोधी हो भाजपा के या भाजपा के ही प्रधानमंत्री रहे हों, बीजेपी के साथ कभी काम करने वाले नेता रहे हों या बीजेपी का खूब विरोध करने वाले नेता रहे हों, तो सब लोगों को याद किया। एक खास बात यह भी रही कि उन्होंने सिर्फ नेताओं तक ही सीमित नहीं रखा बल्कि जो सारे स्टेक होल्डर्स होते हैं किसी संसदीय परंपरा के, वो चाहे स्टाफ हो, वो चाहे जर्नलिस्ट हो, मीडिया के लोग हों, जो भी लोग होते हैं संसद को चलाने में जिनका भी योगदान रहा है, तो उन सबको याद किया। एक तरह से कह सकते हैं कि पीएम ने इस स्पीच को बिल्कुल ऐतिहासिक बनाने की कोशिश की है और उसमें सबको याद करना, बिल्कुल एकदम नए जो सांसद बने हैं 25 साल की उम्र में उनको याद किया, पुराने लोगों को याद किया, पंडित नेहरू को याद किया, इंदिरा गांधी को याद किया, जिस इंदिरा गांधी की इमरजेंसी को लेकर के काफी आलोचना बीजेपी करती है, बीजेपी की एक तरह से कहें कि पूरी राजनीति जो खड़ी हुई है उसमें इमरजेंसी के खिलाफ जो आंदोलन चलाया उसका भी बड़ा योगदान रहा है। तो पीएम ने बिल्कुल एक राजनेता की तरह और इसको पूरे स्पीच को हिस्टोरिक बनाने के मकसद से आज का स्पीच दिया है और उसके रंग आपको हर जगह दिखेंगे पूरे स्पीच में। अच्छा, पीएम के भाषण में पंडित नेहरू का जिक्र भी आया, अटल बिहारी वाजपेयी का भी आया, इसे किस तरह आप देखेंगे? देखिए, वही मैंने पहले भी बताया कि ये वो भाजपा के प्रधानमंत्री के तौर पे नहीं, वो देश के प्रधानमंत्री के तौर पे वो बात बोल रहे थे क्योंकि बिल्कुल एजेंडे से क्लियर था कि 75 साल की यात्रा को उनको याद करना है। आप देखिए, कहीं पे भी पार्टी लाइन पे या विपक्ष को नीचा दिखाना है, विपक्ष के खिलाफ कोई पॉइंट हमको स्कोर करना है, ये दृष्टि कहीं नहीं दिखे पूरे स्पीच में। आप देखिए तो जैसे नाम का उल्लेख किया उन्होंने कि जब गुट निरपेक्ष आंदोलन का जिस तरह से बैठकें होती थी उसमें जिस तरह से भारत ने भूमिका निभाई थी उससे तुलना की G20 की, कि G20 पे जिस तरह से सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित हुआ, सबने तारीफ की उसकी, उसका जिक्र किया। दूसरे जो प्रधानमंत्री हुए, दूसरी पार्टियों के हुए, उन्होंने जो कॉन्ट्रीब्यूट किया उसको याद किया, राम मनोहर लोहिया को याद किया, पीवी नरसिम्हा राव को याद किया, सबको याद किया। तो वो ये दिखा रहे थे कि बिल्कुल एक संसद के सदन के नेता के तौर पे जो इस एक जब वो इस संसद के इस भवन को छोड़ के नए भवन में संसद जा रही है तो उसमें एक वो जो टर्निंग पॉइंट जो होना चाहिए ना, जैसे अभी भी नेहरू जी के जिस स्पीच का उल्लेख किया उन्होंने जो आजादी के तुरंत बाद दी थी उन्होंने, तो उस तरीके का स्पीच बनाने की कोशिश है प्रधानमंत्री की है जहाँ पे कि कोई ये आरोप ना लगाए कि ये राजनीतिक बिल्कुल किसी दूसरी पार्टी के या विपक्ष के को घेरने के लिए स्पीच दिया गया है, वो स्पीच नहीं था ये। जी, थोड़ी बहुत राजनीतिक खींचतानाज भी देखने को वैसे मिली है। विपक्ष की तरफ से आपके हिसाब से सबसे प्रभावशाली ढंग से किसने अपनी बात रखी? देखिए, सब लोगों ने अपनी अपनी बात रखी और विपक्ष की ओर से मैं ये जरूर कहूंगा कि जब संसद भवन का उद्घाटन हुआ था नए संसद भवन का 28 मई को, तो उसका भी विपक्ष ने बहिष्कार किया था, विपक्ष के कुछ दलों ने, मैं ये कहूंगा, क्योंकि उनके अपनी सोच थी कि राष्ट्रपति को नहीं बुलाया गया है, तो उसका थोड़ा वो जो एक विरोध वाला स्वर था वो स्वर था, लेकिन उसके बावजूद ये कहेंगे कि सबने थोड़ा सा मतलब बिल्कुल एकदम दलगत राजनीति वाली जो है, कहीं कहीं उसके शेड्स दिखेंगे आपको, मल्लिकार्जुन खड़गे के भाषण में भी दिखा वो, ठीक है, लेकिन वो आप ये नहीं कह सकते हैं कि बिल्कुल सबने एकदम बिल्कुल पार्टी लाइन पे ही बात की। तो एक संसदीय जो कहते हैं ना कि भारत की संसदीय परंपरा जो बड़ी समृद्ध रही है, तो उस लाइन पे ज्यादातर लोगों का उस लाइन पे ही लोगों ने बात करने की कोशिश की है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया हिमांशु। 6 दिन हो गए आज, अमूमन ऐसा होता नहीं, जो दक्षिण कश्मीर के अनंतनाग में देखने को मिल रहा है। पिछले हफ्ते यहाँ के कोकरनाग में जो
आतंकियों के साथ सेना की मुठभेड़ शुरू हुई थी, आज छठे दिन भी जारी रही। भारतीय सेना के कर्नल मनप्रीत सिंह, मेजर आशीष धौचक, जम्मू कश्मीर पुलिस के DSP हुमायूं भट्ट शहीद हो चुके हैं। उधर लश्कर ए तैयबा के प्रॉक्सी संगठन द रेजिस्टेंस फ्रंट ने इस हमले की जिम्मेदारी ली है और ऐसा लगता है कि अब तक इनका पूरी तरह खात्मा नहीं हो सका है। लिहाजा CRPF की कोबरा कमांडो फोर्सेस की खास टुकड़ी को आज जम्मू कश्मीर भेजा गया। ये टीम तब कश्मीर में तैनाती को जा रही है जब बीते दिन मुठभेड़ वाली जगह पर एक जला हुआ शव मिला। मीडिया रिपोर्ट्स में इसे एक आतंकी का शव बताया जा रहा है, लेकिन इस आतंकी का ही खात्मा काफी नहीं। अब भी बड़ी संख्या में सुरक्षाकर्मी तलाशी अभियान में जुटे हुए हैं। 6 दिन बीत जाने के बाद सेना का ऑपरेशन अब किस स्टेज पर है और कितने आतंकी अभी भी छिपे हैं जिनकी तलाश जारी है, हमने बात की आज तक रेडियो रिपोर्टर अशरफ वानी से जो श्रीनगर में मौजूद हैं। यहाँ पर दरअसल बुधवार को जब आतंकियों ने पुलिस और सेना की पार्टी पर हमला किया, जिसमें सेना के 2 अफसरों सहित 3 जवान और पुलिस का 1 अफसर मारा गया, उसी दिन ये साफ किया था कि पुलिस के पास पुख्ता खबर है कि सेना और पुलिस पर हमले करने में मुलविस 3 आतंकी इस जंगल में छुपे हुए हैं और उनके हाइडआउट का भी सुरक्षा बलों और सेना को पता चला है। यही कारण है कि ड्रोन की मदद और हेलीकॉप्टरों की मदद इस ऑपरेशन में पिछले 6 दिन से लगातार पुलिस और सेना कर रही है। पहली बार जो है ड्रोन टेक्नोलॉजी का भरपूर इस्तेमाल इस ऑपरेशन में किया गया, जहां पर न सिर्फ हाइडआउट की तस्वीरें ड्रोन से ली गई बल्कि उस पर बारूद भी ड्रोन की मदद से ही गिराया गया। रॉकेट लॉन्चरों का इस्तेमाल हुआ और हाइडआउट जिसकी पहचान हुई है वो पूरी तरह से सेना ने तबाह भी कर दिया। उस हाइडआउट में एक जले हुए शव की बरामदगी सेना को ही है, लेकिन ये अभी साफ नहीं है कि जला हुआ शव किसी आतंकी का है या कोई और। जले हुए शव की DNA की जांच की जा रही है ताकि उसकी पहचान का पता लगाया जा सके। इस बीच सूत्रों से ये भी खबर आई है कि सेना के एक और जवान का शव ड्रोन की तस्वीरों में दिखा है, लेकिन अभी तक सेना की तरफ से इस पर कोई बयान नहीं आया है। सेना पर यह भी दबाव है कि जिस अंदाज से बुधवार को ही सेना और पुलिस ने यह साफ किया था कि वो आतंकियों को अंजाम तक पहुंचाएंगे, तो कहीं ना कहीं सेना की तरफ से तभी इस ऑपरेशन को खत्म किया जाएगा जब इस जंगल में छुपे सभी आतंकियों का खात्मा हो सकता है। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने आज सीधे तौर पर न सिर्फ आतंकी संगठनों को धमकी दी और उन्हें सतर्क किया कि उनकी किसी भी कार्रवाई को जम्मू कश्मीर में न सिर्फ बर्दाश्त किया जाएगा बल्कि जम्मू कश्मीर विकास की राह पर चलता रहेगा। उन्होंने उन लोगों को भी आगाह किया जो आतंकवाद का समर्थन करते हैं या उनका पक्ष लेते हैं। उन्होंने साफ कहा कि उन लोगों को भी बख्शा नहीं जाएगा। अशरफ, ऑपरेशन पूरा करने में इतना वक्त क्यों लग रहा है? क्या भौगोलिक परिस्थितियों का चैलेंज है? इस बीच जिस अंदाज से ये इलाका है, जंगलों से घिरा हुआ पहाड़ी इलाका, नदी नाले इसमें हैं और कुछ ऐसे हिस्से भी इस इलाके में हैं जहां पर कई दिनों तक आतंकी बिना दिखे छुप सकते हैं। कुकरना की इन पहाड़ियों में कुछ कुदरती तौर बनी गुफाएं भी हैं जिनको आतंकी बतौर हाइडआउट पिछले कई सालों से इस्तेमाल कर रहे हैं। सेना के लिए इस ऑपरेशन में देरी की सबसे बड़ी वजह यह भी है कि सेना अब और कोई नुकसान इस ऑपरेशन में अपनी तरफ नहीं चाहती है। सेना और पुलिस का कहना है कि यदि वो जंगल में एकदम घुस जाएंगे तो जंगल के किसी हिस्से में कोई आतंकी छुपा हो सकता है जो सेना पर हमला कर सकता है या गोलीबारी कर सकता है। ऑपरेशन में इसलिए भी देरी लग रही है क्योंकि ये ऑपरेशन अब जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों के लिए नाक का सवाल बना है। जहां एक तरफ उन्हें अपने शहीद 4 जवानों और अफसरों का बदला लेना है, वहीं पर सेना और सुरक्षा बल ये भी सुनिश्चित करना चाहते हैं कि दूसरे किसी भी मौके पर आतंकी संगठन इस तरह की कायराना हरकत की हिम्मत ना जुटाए। यही कारण है कि इस ऑपरेशन में न सिर्फ ड्रोन से तस्वीरें ली गई और ड्रोन का इस्तेमाल किया गया बल्कि साथ ही साथ रॉकेट लॉन्चरों से भी उन सभी हाइडआउटों को तबाह करने की कोशिश की गई जिनमें आतंकियों के छुपे होने का शक जताया जा रहा है। लेकिन
परिस्थितियां तब साफ हो जाएंगी जब फौज उन हाइडआउट्स तक पहुंचेगी, उन खुफिया ठिकानों तक पहुंचेगी जिनको उन्होंने बर्बाद किया है। वहां पर क्या बरामद होता है सेना को, क्या कोई आतंकी का शव मिलता है, उनके हथियार मिलते हैं। उसके बाद जब सेना कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी या फिर अपना कोई बयान जारी करेगी, तभी ये साफ हो पाएगा कि सेना इस ऑपरेशन में कितनी सफल हुई है। जी बहुत बहुत शुक्रिया अशरफ। जिस खेत से दहका को मयसर नहीं रोजी, उस खेत के हर खोशा एक गंदुम को जला दो। अल्लामा इकबाल ने कहा कि अगर किसानों को कुछ मिलता ही नहीं खाने कमाने को, तो फिर खेत में पसरीन गेहूं की बालियों का कोई मतलब ही नहीं। जिक्र इसका आज पंजाब की वजह से है, भारत का ऐसा राज्य जिसको हम लहराती हरी भरी फसलों, ट्रैक्टर पर सवार किसानों की वजह से जानते हैं। एक तरफ पंजाब गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है, लेकिन क्या वहां के किसान भी बेहतर स्थिति में हैं? और भी दूसरी चीजें, मसलन धान सरसों के उत्पादन में ये राज्य बिल्कुल पीछे नहीं है। लेकिन हमारे रिपोर्टर जब जमीनी हकीकत का पता लगाने पहुंचे, तो पंजाब में खेती किसानी की बिल्कुल उलट तस्वीर दिखी। मालूम हुआ कि पंजाब के किसानों की आमदनी उनके कर्ज के नीचे दबी हुई है। पूरे राज्य में किसानों ने जितना भी कर्ज लिया है, उसे अगर जोड़ दें तो कर्ज का अमाउंट 70,000 करोड़ से 1,00,000 करोड़ रुपए तक पहुंच जाता है। जमीनी हकीकत को समझने वाले आज तक रेडियो रिपोर्टर मंजीत सहगल से हमने बात की और पूछा कि किसान पंजाब में कर्ज से क्यों दबे जा रहे हैं, खेती किसानी के अलावा कहीं दूसरे कारण तो नहीं? देखिए, कारण बहुत ज्यादा हैं। पिछले 3 दशकों से इस पर काफी अनुसंधान भी हुआ है और मोटे मोटे तौर पर जो कारण माना जा रहा है वो ये कि पंजाब की जो कृषि है वो एक तो कैपिटल ओरिएंटेड है, क्योंकि उसमें बहुत सारा कैपिटल की जरूरत होती है। बड़ी जोतों का आकार है, उसके लिए आपको ट्रैक्टर भी चाहिए, उसके लिए आपको फार्म इनपुट चाहिए, चाहे वो इंसेक्टिसाइड्स हो, पेस्टिसाइड्स हो, ट्रैक्टर का खर्चा भी चाहिए, डीजल के भाव भी लगातार बढ़ रहे हैं। तो एक तो ये कैपिटल ओरिएंटेड हो गई है पंजाब की कृषि, दूसरे ये कमर्शियलाइज भी हो चुकी है, तो उसके लिए आपको काफी खर्चा करना पड़ता है। इसके अलावा अगर खर्चों की बात करें तो इनपुट्स कॉस्ट तो लगातार बढ़ी रही हैं, कीमतें लगातार बढ़ रही हैं। वहीं बहुत सारे जो इश्यूज हैं, जैसे पंजाब के किसानों को जो वाजिब दाम है फसलों के वो नहीं मिल पा रहे, ये भी एक बड़ा कारण है। और वहीं इसके लिए कुदरती कारण भी जिम्मेवार है, जैसे अब की बार बाढ़ आई है, बाढ़ से जो धान की खड़ी हुई फसल थी वो नष्ट हो गई है, कि 3-3 बार किसानों ने जो रुपाई करी है बाढ़ आने से। ज्यादा बारिश होने की वजह से गेहूं की फसल भी पिछले साल खराब हो गई थी, कपास की फसल 3 बार पंजाब में फेल हो चुकी है, तो क्रॉप फेलियर्स भी एक बड़ा कारण है। और इन सभी कारणों की वजह से क्या है कि किसान अपने परिवार का खर्चा उठाने के लिए या फिर कृषि जो इनपुट्स हैं, जो खर्चा आता है कृषि में फसल उगाने का, उसका खर्चा उठाने के लिए, या फिर आप स्वास्थ्य कारणों का ले लीजिए, कई तरह के जो पारिवारिक खर्चे होते हैं, बच्चों की शिक्षा, इन सब के लिए जो है कर्ज के नीचे दबता है। अच्छा मंजीत, किसानों ने तो कर्ज लिया हुआ है, क्या उसकी कर्ज माफी कभी भी नहीं हुई? देखिए, पंजाब की तत्कालीन कांग्रेस सरकार ने 2018 से 2022 के बीच में जो कृषि यानी के फसल जो ऋण थे उनको माफी की एक योजना शुरू की थी, और उसमें सरकारी आंकड़ों के मुताबिक 5,63,000 किसानों को उसका फायदा मिला था, और सरकार ने 4,610 करोड़ रुपए के जो ऋण थे वो माफ किए थे। लेकिन इसमें जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की एक स्टडी हुई थी उसके मुताबिक सिर्फ 24% किसानों को इसका फायदा हुआ, यानी 76% जो किसान थे इस योजना का फायदा नहीं ले सके। यही एक बड़ा कारण था कि एक सिर्फ ये ऊंट के मुंह में एक जीरा के समान में ये जो सरकार की योजना थी वो रही थी, क्योंकि पंजाब में एस्टिमेटेड जो डेट है, जो कर्ज है किसानों के ऊपर, वो 70,000 करोड़ रुपए से लेकर 1,00,000 करोड़ से भी ज्यादा का है। तो बहुत ज्यादा किसान कर्जदार हैं, कर्ज का बोझ लगातार बढ़ रहा है। सरकारों ने योजनाएं जरूर शुरू की, लेकिन उनका फायदा भी ज्यादातर किसानों को नहीं पहुंचा। और दूसरा बड़ा कारण ये भी था कि सरकार इस योजना को जारी नहीं रख पाई, क्योंकि सरकार का खजाना खाली है। पंजाब उन राज्यों में शामिल है जिनमें सरकारें पहले से ही कर्जदार है, और राज्य का जो राजस्व है उसकी प्राप्तियां भी लगातार घट रही हैं। जी, एक और बात, आम आदमी पार्टी की सरकार ने सत्ता में आने से पहले बड़े वादे किए थे, उस हवाले से कुछ किया गया? देखिए, आम आदमी पार्टी की सरकार जब आई थी तो सबसे पहले आम आदमी पार्टी की सरकार ने एक श्वेत पत्र जारी किया था, क्योंकि पंजाब की जो आर्थिक स्थिति है, माली हालत है, वो बेहद नाजुक है, काफी ज्यादा खराब है। सरकार ने मदद के तौर पर एक तो किसानों को ये वादा किया था कि 24 घंटे उनको बिजली की आपूर्ति मिलती रहेगी, और पंजाब में खेती के लिए जो बिजली है वो निःशुल्क है। और वहीं जो
आम लोग हैं उनको 300 यूनिट तक बिजली प्रतिमा देने की बात भी हुई थी, वो मिल भी रही है, उसका लोगों को काफी फायदा हुआ था। वहीं जो किसान है उनकी सभी फसलों को भी जो MSP है उसके तहत लाने की बात की गई थी। मूंग की दाल की फसल की बात भी हुई थी, लेकिन बहुत सारी मांगे ऐसी हैं जो अभी तक पूरी नहीं की जा सकी। उसका बड़ा कारण यही है कि सरकार का खजाना खाली है। सरकार अभी जो खाली खजाना है उससे जूझ रही है, लेकिन काफी हद तक कई योजनाएं ऐसी हैं जिनकी भरपाई कर दी गई है। महिलाओं के खाते में 1,000 रुपये प्रतिमा जमा करने की जो योजना है, जो वायदा है, वो अभी पूरा नहीं किया जा सका, क्योंकि उसके लिए बहुत 12,000 करोड़ से ज्यादा का सालाना खर्चा आएगा। तो सरकार ने कुछ वायदे किए थे, चुनावी वायदे, वो पूरे हो गए थे, कुछ अभी पूरे नहीं हुए हैं। और जहां तक किसानों की माली हालत है, वो सुधरने के बजाय लगातार गिर रही है, क्योंकि पंजाब में एक तो बेरोजगारी का ग्राफ काफी तेजी से बढ़ रहा है। लोग देश छोड़ के अब विदेशों में रोजी रोटी की तलाश में जा रहे हैं। खेती बाड़ी करना अब फायदे का सौदा नहीं रह गया है। जी शुक्रिया मनजीत। और अब बात खेल और खिलाड़ियों की। चीन का हांगझू शहर एशियाई खेलों के आयोजन के लिए बिल्कुल तैयार है। कल से शुरू होने जा रहे इस इवेंट का यह 18वां एडिशन है, जिसे यूं तो पिछले साल होना था लेकिन कोविड की वजह से इसे पोस्टपोन करना पड़ा। एशियन गेम्स में कुल 40 खेल रखे गए हैं, जिन्हें खेलने 45 देशों के खिलाड़ी पहुंचे हैं। खास बात यह है कि इन 40 खेलों की सूची में क्रिकेट भी शामिल है, जो 2018 में नहीं खेला गया था। भारत की तरफ से कुल 655 खिलाड़ी एशियन गेम्स का हिस्सा बनेंगे। पिछले साल हुए एशियाई खेलों में इंडिया ने 70 मेडल जीते थे, इनमें 16 गोल्ड थे, 23 सिल्वर और 31 ब्रॉन्ज। इस साल एशियाई खेलों में भारत के लिए क्या संभावनाएं हैं, हमने पूछा स्पोर्ट्स तक के स्पेशल कॉरेस्पॉन्डेंट नितिन श्रीवास्तव से। जी देखिए, सबसे पहली बात तो ये, जैसे आपने मेंशन किया कि ये एशियन गेम्स ओरिजिनली 2022 वाला ही है। इस बार जो इसका नाम भी होगा ऑफिशियल, वो एशियन गेम्स 2022 ही होगा। हालांकि इसे उस वक्त कोविड की वजह से पोस्टपोन करना पड़ा था और इस बार ऑर्गेनाइज किया जा रहा है। जगह सेम है, सेम वेन्यू है, वेन्यू में कोई बदलाव नहीं है, हांगझो में ही होगा, चाइना में। हाँ, और अगर रही जहां तक भारतीय जो है दल की बात, तो इस बार हमारा अच्छा खासा दल जो है वह एशियन गेम्स के लिए जो है जा रहा है। कुछ हमारे एथलीट्स ऑलरेडी जो है चाइना पहुंच चुके हैं तैयारियों के लिए। और अगर हम अपने मेडल राउंड्स की बात करें, या फिर हम डिसिप्लिन वाइज हम ये देखें कि हमारे मेडल प्रोस्पेक्ट्स कहाँ कहाँ पर हैं, कौन से डिसिप्लिन में आ सकते हैं, तो सबसे पहले तो हम एथलेटिक्स से ही हमारी उम्मीद ज़्यादा है, क्योंकि हमने देखा कि जिस तरीके से अभी तक नीरज चोपड़ा की परफॉर्मेंस रही है, तो हम यहाँ भी उम्मीद कर रहे हैं कि नीरज चोपड़ा जो है गोल्ड मेडल ही अपना डिफेंड करेंगे। 2018 जकार्ता एशियन गेम्स में भी नीरज चोपड़ा ने गोल्ड मेडल हासिल किया था, और जिस तरीके की परफॉर्मेंस फिलहाल नीरज दिखा रहे हैं, उम्मीद यही है कि यहाँ पर भी नीरज से गोल्ड मेडल ही जो है हम उम्मीद कर सकते हैं। दूसरी तरफ हमारी रिले टीम है, वो भी अच्छा परफॉर्म कर रही है, तो वहाँ भी हमें शायद मेडल मिल सकता है। रेस वॉकिंग है, वहाँ पर भी मेडल की उम्मीद है। ओवरऑल आप कह सकते हैं कि एथलेटिक्स के अंदर में हमें मेडल्स की ज़्यादा उम्मीद रहेगी। इसके अलावा अगर आप बॉक्सिंग की बात करें, तो निखत जरीन वहाँ पर आपको जो है रिंग में नजर आएंगी, वहाँ मेडल की हमें उम्मीद है। इसके अलावा रेसलिंग में हमारे पास जो है मेडल प्रॉस्पेक्ट्स हैं, लगे कुछ बड़े नाम जो है वो नहीं होंगे वहां पर, लेकिन फिर भी हमें रेसलिंग में मेडल्स मिल सकते हैं। अच्छा नितिन, क्रिकेट की तो काफी साल बाद एशियाई खेलों में वापसी हो रही है, भारतीय टीम भी इसका हिस्सा होगी, इस फ्रंट पर आपको क्या उम्मीदें नजर आती हैं और किस फॉर्मेट में मैच होंगे? जी देखिए, क्रिकेट चूंकि इंडियन टीम को पहली बार मौका मिल रहा है, पहली बार BCCI ने जो है जो OCA था, ओलंपिक जो कमेटी है, एशियन ओलंपिक कमेटी, उसकी रिक्वेस्ट को अप्रूव किया और अपनी टीम को भेजने का निर्णय लिया था, जो रेक्स काउंसिल हुई थी BCCI की, और ये तय किया गया था कि दोनों ही टीम जाएगी। और सरकार भी चाहती थी, जो हमारा खेल मंत्रालय है उसकी तरफ से भी BCCI को रिक्वेस्ट गई थी कि हमारी टीम का पार्टिसिपेशन होना चाहिए एशियन गेम्स में। उसके बाद BCCI ने अपनी रजामंदी दी और दोनों टीमों को जो है वो भेजा जा रहा है। दूसरी बात ये कि फॉर्मेट क्या होगा, तो ये फॉर्मेट T20 फॉर्मेट होगा और इसी फॉर्मेट के अंदर में दोनों ही टीमें पार्टिसिपेट करती हुई नजर आएंगी। अगर दोनों टीमों के आप कह सकते हैं कि बात की जाए उनके परफॉर्मेंस की, तो हमारी चूंकि जो मेन टीम है, जो मेन हमारा स्क्वाड है, वो वर्ल्ड कप की तैयारियों में बिजी होगा उस वक्त पर, ऑस्ट्रेलिया के साथ सीरीज खेल रहा होगा, इसलिए BCCI ने मेंस टीम की जो सेकंड स्ट्रिंग हमारी जो बेंच स्ट्रेंथ है ऋतुराज गायकवाड के लीडरशिप में, उसको एशियन गेम्स के लिए सेलेक्ट किया है। शिवम मावी अनफॉर्चुनेटली वो पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे, वो टीम का हिस्सा थे
लेकिन उनको चोट लग गई है, जिसकी वजह से आकाशदीप को उनकी जगह पे टीम में वापस शामिल किया गया है। और उसके अलावा अगर विमेंस टीम की बात करें तो हरमनप्रीत कौर, जो कि बहुत ही एक्सपीरियंस प्लेयर है, इंडियन साइड की अच्छा खासा अनुभव है उनके पास, उनकी कप्तानी में लीड करेंगी हरमनप्रीत। भारतीय टीम खेलेगी एशियन गेम्स में। पूजा वहां पर अंदर आई हैं और उनकी बेसिकली अंजलि सरावनी जो कि लेफ्ट आर्म पेसर है, उनको चोट लग गई और उनकी जगह पे पूजा को टीम के अंदर में लिया गया है। लेकिन अगर हम दोनों टीमों को देखें तो जिन जिन कंट्रीज के अगेंस्ट खेलना है वहां पर भारतीय टीम अपने एक्सपीरियंस और अपने पास्ट परफॉर्मेंस के आधार पर थोड़ी मजबूत नजर आ रही है कागज के ऊपर में। और भारतीय विमेंस टीम जो है उनको तो ऑलरेडी ये एक्सपीरियंस है, उन्होंने ऑलरेडी कॉमनवेल्थ गेम्स पिछली बार खेला था बर्मिंगम में जाके, तो उन्हें पता है किस तरीके से जो मल्टी डिसिप्लिन इवेंट होते हैं वहां पर क्या माहौल होता है और एक्सपीरियंस है उनके पास उस तरीके का। हालांकि भारतीय टीम के लिए ये मेंस टीम के लिए पहला मौका है जब वो मल्टी डिसिप्लिन इवेंट में पार्टिसिपेट कर रहे होंगे। होपफुली भारतीय टीम, चूंकि उनके पास दोनों ही टीमें बहुत सारा एक्सपीरियंस है, वो डोमेस्टिक फ्रंट हो या फिर आप इंटरनेशनल, बहुत सारे इंटरनेशनल प्लेयर्स हैं वो भी उस टीम का हिस्सा है, तो कहीं ना कहीं उम्मीद यही जताई जा रही है कि दोनों ही टीमों को ज्यादा मुश्किलात नहीं होगी और गोल्ड मेडल आई होप कि वो जरूर जीतेंगे एशियन गेम्स में। जी बहुत बहुत शुक्रिया नितिन। और अब आ रही है भौचक की, आ गए हैं जमशेद कमर सिद्दीकी। मान लीजिए कि आप संडे को मस्त नहा धोकर सोफे पर आराम से बैठकर कोई नई वेब सीरीज देख रहे हो और तभी कोई आपका दरवाजा खटखटाए। आप दरवाजा खोलें तो सामने एक कूरियर बॉय हाथों में चॉकलेट का डिब्बा लेकर खड़ा हो। ऐसे में मुस्कुराते हुए चॉकलेट खाते हुए आप सोचेंगे कि ये चॉकलेट आखिर भेजी किसने? उस एक्स गर्लफ्रेंड ने जिसे कुछ दिन पहले आपने अपनी फ्रेंड लिस्ट में दोबारा ऐड किया है, या दूर के मामा जी ने जिनकी बेटी की शादी तय हो गई, या दफ्तर की तरफ से आई है, या मोहल्ले में किसी ने नई गाड़ी ली है? ना भाई साहब, ना 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 ना, बिल्कुल नहीं, ये जरूरी नहीं है। क्योंकि अगर आपके साथ ऐसा हो तो एक बार ये भी चेक कर लीजिएगा कि कहीं आप अपने SBI लोन की किश्त भरना तो नहीं भूल गए, भौचक हो गए। चलिए बताते हैं पूरी खबर। सरकारी बैंक SBI समय से लोन की EMI नहीं चुकाने वाले ग्राहकों के लिए एक अनोखी पहल करने जा रहा है। सबसे बड़े कर्जदाता बैंक ऐसे कस्टमर्स के घर अपने प्रतिनिधि के जरिए चॉकलेट भेजेगा। इस दौरान बैंक के प्रतिनिधि ग्राहक के घर पहुंचेंगे और उनसे समय से EMI चुकाने के लिए आग्रह करेंगे। इस पहल का ऑफिशियल तौर से ऐलान करने से 15 दिन पहले बैंक ने इसे एक प्रायोगिक तौर पर शुरू भी किया था और उसमें यह बहुत ही कामयाब हुआ और अब इसे ऑफिशियल कर दिया गया है। जिन कर्जदारों के डिफॉल्ट होने की संभावना है उनसे फिनटेक के रिप्रेजेंटेटिव मिलने जाएंगे, उनके लिए चॉकलेट का पैकेट लेके जाएंगे और उन्हें चॉकलेट देते हुए कहा जाएगा कि भाई आप अपना EMI वक्त से भर दीजिए। अब ये गांधीगिरी है या फिर ग्राहकों को शर्मिंदा करने का तरीका, ये तो आप ही तय कीजिए, पर कुछ भी कहिए पैसा वसूली का ये तरीका है शानदार। जमशेद कमर सिद्दीकी, आज तक रेडियो। बहुत शुक्रिया जमशेद। तो आज है सोमवार और सोमवार को आता है नामी गिरामी। तो इस बार नामी गिरामी में सुनिएगा पंजशीर का शेर कहे जाने वाले अहमद शाह मसूद की कहानी, जो न तालिबान से हारा, न अलकायदा से, न रूस से। सुनिएगा जरूर और बताइएगा radio@aajtak.com पर कि आपको ये हमारा पॉडकास्ट कैसा लगा। आज का दिन भर प्रोड्यूस किया है चेतना काला ने, साउंड मिक्सिंग कर रहे हैं नितिन रावत। मेरा नाम है नितिन ठाकुर। इजाजत दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिए और सुनते रहिए आज तक रेडियो।